हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राम राम सा। मेरा नाम है एकता, आप देख रहे हैं राजस्थान के एकता चैनल। फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही वाले आलू की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये सब्ज़ी फ्रेंड्स, और कुछ ही मिनटों में बनके तैयार भी हो जाती है। अभी नवरात्रा चल रहे हैं, तो उस टाइम जब शाम को आप उपवास वगैरह खोलते हो, तो उस टाइम इस वाली सब्ज़ी को झटपट बना के खा सकते हैं। रोटी पूरी पराठों के साथ में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो चलिए, इसके बनाने के लिए थोड़े से सामान चाहिए, पहले वो बता देते हैं, अब इसको फिर शुरू कर लेंगे बनाना। यहाँ पर दही वाले आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ चार बड़े आलू लिए, जिसको अच्छे धो के और बॉईल कर लिया है। और एक सीटी लगानी है, इससे ज़्यादा सीटी आपको नहीं लगानी है फ्रेंड्स, वरना आलू जो है टूटने लग जाते हैं। तो एक सीटी आपको इसके अंदर लगानी है। यहाँ पे लिए सूखे मिर्ची मसाले, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा ही चम्मच नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे। गरम मसाला यहाँ पे 5 से 6 मिर्चियाँ लिए मैंने, जिसको इस तरह से लंबी लंबी, थोड़ा लंबी लंबी मोटी मोटी कट किया है। इस तरह से फाक के थोड़ा सा इसके कट लगा दिया, ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए अच्छे से। हरा धनिया कुछ मसाले लिए मैंने यहाँ पे, साबुत धनिया 1 चम्मच, साबुत सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, 2 सूखी मिर्ची, और यहाँ पे लिया है 1 छोटा बाउल दही, इसको अच्छे से फेंट लिया है। बस इन्हीं चीज़ों से बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते बनाना। यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया। अब इसके अंदर डालेंगे अपन साबुत जो मसाले, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, इनको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, बस हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा जब जहाँ तक इसको रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे 1 से 2 मिनट हो चुका है। ये देखिए, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ पे गैस को बंद करेंगे और इसको एक थाली में निकाल लेंगे। उसके बाद इसको दरदरा कूट लेंगे, कोई मोमबस्ता वगैरह है उसके अंदर कूट के दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी गैस के ऊपर, और इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म करना है। तो यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए धुआं निकलने लग गया है तेल के अंदर से। तो अब इसके अंदर डाल देंगे अपन आलू। धीरे से डालिएगा, नहीं तो छींटे अपने ऊपर आ सकते हैं। इसको थोड़ा धीरे कर लीजिएगा, बस इसी तरह चलाते हुए आलूओं का हल्का हल्का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि आलू अपने पहले से बॉईल किए हुए हैं, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आलू को पकाते हुए मुझे कम से कम 1.5 मिनट के लगभग हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे अपने दरदरा, ये जो मसाला तैयार किया था ना पका के, उनको मैंने दरदरा कूट लिया। ये देखिए साबुत धनिया, जीरा वगैरह को आप मोमबत्ती के अंदर दरदरा कीजिएगा। इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर देना है, अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे, और साथ में इसके साथ में डाल देंगे ड्राई मसाले, अपने हिसाब से ले सकते हैं स्वाद अनुसार मिर्ची मसाला। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, और थोड़ा सा पका लेंगे मसालों को। ये देखिए अभी से इतना टेस्टी लग रहा है ये सब्ज़ी, खाने में ही उतना टेस्टी है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। तो इस बार आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पर मसाला भी हमारा पक चुका है, अब इसके साथ में डालेंगे अपन हरी मिर्ची, और साथ में ले लेंगे गर्म मसाला। मिर्ची को भी अब डाल देंगे अपन, हल्की हल्की सी, थोड़ी सी क्रिस्पी रहेगी ना ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहेगी, क्रिस्पी सी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगी सब्ज़ी के अंदर। इसीलिए मैंने लास्ट के अंदर इसके अंदर ऐड किया है, वो पहले नहीं किया है। तो मिर्ची को यहाँ पे ऐड करने के बाद थोड़ा सा और पका लेंगे, ताकि मिर्ची भी थोड़ी हल्की हल्की पक जाए। यहाँ मिर्ची को पकाते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी, खाने में स्वादिष्ट दिख रही है अभी से ही। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे अपन दही, दही को फेंट लेना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है, बस ताज़ा दही का इस्तेमाल करना है। दही को मिक्स करते हुए बस थोड़ा गैस को धीमे कीजिएगा, और लगातार इस तरह से थोड़ा सा चलाते रहिएगा। उबाल आने के बाद में इतने चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा दही जस्ट डालने के बाद थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट के इस तरह से चला लीजिएगा। तो बस इस तरह चलाते हुए इसको मिक्स करना है। बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी आप इसको बना के दे सकते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं साइड से उबाल आ गया है इसके अंदर। तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा ढक के पकाएंगे। अगर आप ग्रेवी थोड़ा सा इस तरह का पतला रखना चाहते हो, तो आप कम पकाइएगा, और अगर इससे थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हो, तो उसके हिसाब से थोड़ा ढक के और पका लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे, और बीच में इसको चला लेंगे। चलिए हमारे यहाँ पे सब्जी को चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए आप देख सकते हैं, टेस्टी यम्मी लग रही है ना,
बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। एक बार अगर पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया तो इस बार ज़रूर ट्राई करके देखना और कमेंट के अंदर बताना कैसी बनी आपकी सब्जी भी। तो इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे अपन हरा धनिया, जिससे सब्जी और भी स्वादिष्ट हो जाएगी। मिक्स कर लेंगे। आप इसको रोटी पूरी पराठों के साथ में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे धनिया को मिक्स कर लिया है, अब गैस को कर देंगे बंद और आपको पास में से दिखा दूँ किस तरह से हमारी दही वाले आलू की सब्जी बनी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो लीजिए हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी दही वाले आलू की सब्जी। कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी ज़रूर बताना फ्रेंड्स कमेंट के अंदर। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक अच्छे से न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक ले बाय बाय। जय माता दी आप सभी को।